किसी भी हालत में महाविकास आघाड़ी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये मिस्टर राज ठाकरे जी को भी पूरी तरह से मालूम। जिस बीजेपी को महाराष्ट्र से हद्दपार करने की भाषा ये नेता कर रहे थे अमित शाह और मोदी जी को, महाराष्ट्र में आने तक नहीं देना। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे नेताओं के बयान भी बदलते जा रहे हैं। हर कोई अपनी पार्टी को सबसे अच्छा और पार्टी के चुनाव जीतने का दावा कर रहा है। कुछ ऐसा ही बयान एक बार फिर शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत ने दिया है। इस बार संजय राउत ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के ऊपर निशाना साधा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, इसलिए आप उनकी मानसिक स्थिति समझ सकते हैं। इस नेता ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को महाराष्ट्र में आने तक नहीं दिया, लेकिन अब उनकी तारीफ करने लगे हैं, इसलिए उनके मन में डर है। हो सकता है कि यह उनके बेटे के भविष्य को लेकर हो। इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में एमवीए का ही सीएम होगा और राज ठाकरे ये बात अच्छी तरह जानते हैं। महाराष्ट्र की माहिम विधानसभा सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनावी मैदान में हैं और इस सीट पर बीजेपी की तरफ से उनके लिए सॉफ्ट रुख अख्तियार किया गया है। और इसी बात को लेकर जब संजय राउत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, इसलिए आप उनकी मानसिक स्थिति समझ सकते हैं। बात ऐसी है कि देखो, उनका बेटा चुनाव में खड़ा है और अगर जिसका बेटा चुनाव में खड़ा होता है उनकी मानसिक स्थिति आप समझ सकते हो। जिस बीजेपी को महाराष्ट्र से हद्दपार करने की भाषा ये नेता कर रहे थे अमित शाह और मोदी जी को, महाराष्ट्र में आने तक नहीं देना, अब वो उनके गुणगान करने लगे हैं, तो उनके मन में डर है अपने बेटे के भविष्य के बारे में। हो सकता है, होना भी चाहिए, तो हम उसके ऊपर क्या बात करें, लेकिन महाराष्ट्र में किसी भी हालत में महाविकास आघाड़ी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये मिस्टर राज ठाकरे जी को भी पूरी तरह से मालूम। बात ऐसी है कि देखो, उनका बेटा चुनाव में खड़ा है और अगर जिसका बेटा चुनाव में खड़ा होता है उनकी मानसिक स्थिति आप समझ सकते हो। जिस बीजेपी को महाराष्ट्र से हद्दपार करने की भाषा ये नेता कर रहे थे अमित शाह और मोदी जी को, महाराष्ट्र में आने तक नहीं देना, अब वो उनके गुणगान करने लगे हैं, तो उनके मन में डर है अपने बेटे के भविष्य के बारे। हो सकता है, होना भी चाहिए, तो हम उसके ऊपर क्या बात करें, लेकिन महाराष्ट्र में किसी भी हालत में महाविकास आघाड़ी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये मिस्टर राज ठाकरे जी को भी पूरी तरह से मालूम। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।